अस्सलामुअलैकुम गाइस। और आज मैं ये जो विलेज में जाती हूँ वहाँ पे बनाना निकाल रही हूँ, तो उधर ये कह रहे हैं कि चावल हमें चाहिए, वो जो सुबह से लगेंगे तो दोपहर हो जाती है निकालने में, जब तक गाड़ी आए उसमें लगाने के लिए तेल ये बनाना तो फिर उसको खाना खिलाना पड़ता है। तो आज उनके लिए क्या आलू और ये टिंडे, थोड़े से छोले भी हैं वो भी डालूंगी, और चार किलो चावल बनाने हैं। और अभी इसकी तैयारी कर रही हैं, चावल भिगो के रख दिए हैं, प्याज काट लिए, अभी ये इसको आलूओं को सेट कर रही हैं, फिर आपसे शेयर करते जाएंगे। बड़ी सी हंडी बनाई है, वो हंडी देखते हैं फुल होती है या आधा होती है, कितने बनते हैं, कुछ घर में भी खाएंगे और वो सारे उधर जाएंगे चावल, 8-10 आदमी होते हैं। ये 4 किलो चावल हैं इसमें, और इसमें भिगो के रख दिए हैं, अभी चलते हैं अंदर। ये प्याज मैंने काट ली है और तेल वगैरह ऑयल डाल दिया है इसमें, और अभी ये गैस आएगा तो हम तैयारी करेंगे। अभी तक गैस नहीं आया, मैंने जो तीली जला दी है वो जल रही है, और प्याज कितना ढेर सारा काटा है। ये खाना हमारा रेडी हो गया है, और ये हमारे चावल इधर दम के लिए रख दिए हैं, ये रख दूंगी इधर, और ये सालन भी हमारा तैयार है, और ये मछली जो है हमारी ये भी तैयार हो चुकी है, और इधर ये जो कई बड़े बनाए थे वो हमारे तैयार हैं, और ये हमारा सलाद भी तैयार है। और भी एक चीज दिखाती हूँ, ये जो हमारा रायता, ये ऐसा हो चुका है, ऊपर ही रखा है फिर भी ऐसे ऊपर आ गया है। ये रायता रेडी हो चुका है, और ये घर के लिए जो ये बचली मेहमानों के लिए इसमें रख दिए। पुलाव रेडी हो गया है, और इसमें ये जो टिंडे थे वो डाले थे, और ये चने भी डाले थे, और ये आलू डाले थे, ये सारे देखें, ये हमारा हंडा तैयार हो गया है, थोड़ा सा निकालेंगे घर में खाने के लिए। हाँ तो जी, मैंने ये बिरयानी रेडी कर ली है, जो जाएगी वो ज़मीन पे जो बनाना काट रहे हैं, और ये मुझे बहुत शौक है ऐसी बिरयानी बना के बेचूं, और लोग मुझसे ख़रीदना चाहें तो मुझे कमेंट में बताएं, ऐसी अच्छी अच्छी बिरयानियाँ बनाती रहती हूँ। ये तो आलू और इसमें चने और थोड़ा सा टिंडे डाले हैं, और मैं मुर्गी में भी बनाती हूँ, वो भी आपने देखी होगी कितनी अच्छी बनती है। मुझे बहुत ही शौक है कि मैं ऐसी बना के पार्सल भेजूं, और मैं बहुत मुझे खुशी हो रही कि मैं ऐसी बनाऊं, और आप मुझसे कॉपरेट करें। मैं शोहेब को दूंगी, रायता भी रेडी हो गया है। हाँ, बेटी छोटी बेटी को ये
टिंडे पसंद हैं उनके लिए ये टिंडे निकालूंगी। आलू नहीं डालू? एक डालो। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये हमारे चावल, और ये हमारे देखते हैं खाके भी थोड़ा सा देखते हैं। माशाल्लाह प्यारे बने हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।